Hello everyone. In this video, we will learn about Grey Wolf Optimizer in Hindi. Till now, we cover different algorithms in Hindi. Here you can see PSO in Hindi, Genetic Algorithm in Hindi, and Cuckoo Search algorithm in Hindi today. In this video, we will cover Grey Wolf Optimizer in Hindi. And if your first language is not Hindi, you can check these videos. We already covered this algorithm in English using different numerical examples, Python code, real life application, and all. So, for more details, you can check these videos. Now, we will cover Gray Wolf Optimizer step by step using different examples in Hindi. Now, let's start it. में ग्रे के बिहेवियर को मिमिक किया गया है किस तरह से वे पैक को ऑर्गेनाइज करते हैं और हंटिंग के दौरान किस तरह से वे एक साथ काम करते हैं तो so, सबसे पहले हम एल्गोदम इंस्पिरेशन डिस्कस करेंगे फिर हम समझेंगे किस तरह से ग्रे वोल्फ के रियल लाइफ बिहेवियर को इस सेलगुदम में सिमुलेट किया गया है डिफरेंट पैरामीटर्स यूज इन दिस दैलगुदम मैथमेटिकल मॉडल्स स्टेप बाई स्टेप इस केम को कवर करेंगे और लास्ट में हमारे पास है एलगोदम एप्लीकेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इंस्पिरेशन इंस्पिशन जैसे कि ये एल्गोदम ग्रे वोल्फ की सोशल हायरार्की की और हंटिंग स्ट्रेटजी से इंस्पायर होकर डिजाइन की गई है तो पहले हम ग्रे वोल्फ के रियल लाइफ बिहेवियर और हंटिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ दिस एल्गोदम इज वर्किंग इन रियल लाइफ ग्रे बोल्फ पैक में रहते हैं और पैक साइज अबाउट सेवन टू टेन बोल्ब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे बोल्फ एक स्ट्रिक्टोमेंट हरा फॉलो करते हैं और डोमिनेंस डिक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन टॉप लेवल हमारे पास है अल्फा बोल्ब दैट इज द पैक लीडर इसमें एक मेल अल्फा और एक फीमेल अल्फा होता है और पैक में सिर्फ अल्फा ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं जैसे कि हंटिंग कहाँ करनी है कब करनी है कहा सोना है कब जागना है और पैक के सभी मेंबर अल्फा के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं एंड एट द सेम टाइम अल्फा ऑल्सो लिसन ग्रुप चौसेस फिर आते हैं बीटा वोल्फ सो आफ्टर अल्फा बीटा वोल्फ आर सेकेंड इन कमांड ये अल्फा को हेल्प करते हैं इन डिसीजन मेकिंग एंड ड्यूरिंग हंट एंड बीटा वोल्फ ये भी ध्यान रखते हैं कि पैक के सभी मेंबर अल्फा के रूल्स और कमांड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं और ये अल्फा को फीडबैक देते हैं और अल्फा के बाद बीटा वोल्फ में से ही कोई एक नेक्स्ट लीडर बन सकता है और फिर आते हैं डेल्टा वोल्फ ये अल्फा और बीटा वोल्फ को फॉलो करते हैं तो रैंक में ये ओमेगा वोल्फ से ऊपर आते हैं क्योंकि डेल्टा वोल्फ के पैक में स्पेशल रोल्स होते हैं जैसे कि स्काउट्स हु मॉनिटर द टेरटरीज एंड अलर्ट द पैक इन डेंजर इसमें केयर टेकर्स हंटर्स एल्डर्स ये सभी आते हैं और सबसे लास्ट में आते हैं ओमेगा वोल्फ ओमेगा बोल्ब सबसे कम डोमिनेटेड होते हैं एज कंपैरिजन विद अल्फा वीटा एंड डेल्टा बोल्ब और ओमेगा बोल्फ पैक में सभी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और लास्ट में खाना खाते हैं सो so देखने में ओमेगा का रोल अन लगता है पर ओमेगा बोल्फ ही पैक में पीस और हार्मनी मेंटेन करके रखते हैं एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दे आल्सो एक्ट एज बेबी सीटर्स सो यहाँ पर हमारे पास है अल्फा बोल्फ दैट इज फर्स्ट इन रैंक लीडर जैसे कि किंगडम में हमारे पास होते हैं राजा रानी यहाँ पर हमारे पास है मेल अल्फा एंड फीमेल अल्फा सेकंड है, है डेल्टा वुल्फ दैट इज थर्ड इन कमांड लाइक इन द किंगडम वी हैव सिपाही गार्ड्स एंड ऑल फिर आते हैं उमेगा वुल्फ दे आर फॉलोअर सो इन द किंगडम वी हैव सर्वेंट्स तो ये होगी इनकी सोशल डोमिनेंट हराइकी हंटिंग के दौरान सभी बोल्फ एक साथ काम करते हैं जैसे कि शिकार पर नजर रखना उसका पीछा करना धीरे धीरे उसके करीब जाना और उसे घेरना ये शिकार को तब तक परेशान करते हैं जब तक वह हिलना बंद न कर दे और लास्ट में शिकार पर हमला करना यही टीम वर्क और हराइकी वोल्फ पैक को स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज और बनाता है अब हम समझेंगे किस तरह से ग्रे वोल्फ के रियल लाइफ बिहेवियर को इस एल्गोजम में सिमुलेट किया गया है यहाँ पे एक तरफ हमारे पास है ग्रे वोल्फ बिहेवियर इन रियल लाइफ और दूसरी तरफ है हाउ इट इज सिमुलेटेड इन दिस ऑप्टिमाइजर फर्स्ट पॉइंट हराइकी इन पैक तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इन ग्रे वोल्फ हराइकी टॉप लेवल पर है अल्फा बोल्फ दैट इज द ग्रुप लीडर सेकेंड बीटा वोल्फ दैट इज सेकेंड इन कमांड डेल्टा बोल्फ थर्ड इन कमांड ओमेगा बोल्फ दैट इज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पैक अब हम समझेंगे इस हराइकी को किस तरह से सेलगोरिदम में सिमुलेट किया गया है सो so, इस एल्गोदम का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे ईच बोल्फ को एज अ कैंडिडेट सॉल्यूशन डन तो यहाँ पर हम रैंक करेंगे सॉल्यूशंस को अल्फा मींस बेस्ट अमंग ऑल दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन अमंग ऑल बीटा मींस सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन डेल्टा मींस थर्ड बेस्ट सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन रह गए उनको हम कंसीडर करेंगे ओमेगा ओमेगा बोल्फ डन ईच बोल्फ सर्च एजेंट देवर कैंडिडेट सोलूशन सेकेंड पॉइंट प्रे एंड सर्कलिंग जैसे की बोल्फ रियल लाइफ में टीम वर्क करते हैं और एक साथ हंटिंग स्ट्रेटी बनाकर अपने शिकार को घेरते हैं सो इन रियल लाइफ सभी बोल्फ अपने शिकार पर फोकस है फॉर द सर्वाइवल अब इंदे सेलगोइम हमारा पूरा फोकस किस पर है अपने प्रॉब्लम के ऑप्टिकल सॉल्यूशन पर तो हमारे पास क्या है वर्चुअल एनवाइ वर्चुअल बोल्फ वर्चुअल प्रे मीन्स वर्चुअल शिकार तो हम प्रे को कंसिडर करेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल सोल्यूशन और शिकार के राउंड सभी अपनी अपडेट करेंगे और इस बिहेवियर को सिमुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे सर्कलिंग मॉडल को जब हम स्टेप बाय स्टेप इस एलगोदम को डिस्कस करेंगे हम सभी मैथमेटिकल मॉडल्स को डिटेल में समझेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हंटिंग प्रे सो रियल लाइफ में शिकार के दौरान अल्फा बीटा और डेल्टा बोल्फ पैक को लीड करते हैं सेम इन दिस एल्गोरिदम हम सभी बोल्फ की पोजिशन अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन अल्फा बीटा एंड डेल्टा सॉल्यूशन यूजिंग दीज मैथमेटिकल मॉडल्स नेक्स्ट पॉइंट अटैक प्रे रियल लाइफ में जैसे जैसे हंटिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है सभी बोल्फ धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी सिखार के करीब आते हैं सेम इन दैलगुअम हम फॉलो कर रहे हैं इटरेटिव प्रोसेस और हम यूज करेंगे

इस एल्गोरिदम में इस बिहेवियर को सिमुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे टू पैरामीटर्स ए एंड सी इससे हम वुल्फ के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड एनेबल एक्सप्लोरेशन ऑफ सर्च स्पेस नेक्स्ट पॉइंट चेजिंग द वीकर सो जैसे कि रियल लाइफ में वुल्फ सबसे कमजोर शिकार को निशाना बनाते हैं जिससे कि वह कम प्रयास में शिकार कर सकें इन दिस एल्गोरिथम सर्च स्पेस में हम फोकस करेंगे बेस्ट सॉल्यूशन पर

थर्ड इटरेशन हमें मिलता है ऑप्टिबल वन नेक्स्ट पॉइंट में रियल लाइफ में वो फेक यूनिटी बना के रखते हैं वे आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू हाउल्स बॉडी लैंग्वेज सेंट्स सो so, इंडियल ग इस बिहेवियर को सिमुलेट करेंगे हम यूजिंग अल्फा बीटा और डेल्टा सो so, हम अल्फा बीटा और डेल्टा सॉल्यूशंस को यूज करेंगे टू गाइड द पैक ठीक है ये सभी सॉल्यूशन पैक को गाइड करेंगे जिससे कि हम एंश्योर करेंगे कोऑर्डिनेटेड सर्च नेक्स्ट पॉइंट है पप्स एंड टैटरी प्रोटेक्शन सो रियल लाइफ में वुल्फ एक बैलेंस बना रखते हैं वे हंटिंग के साथ-साथ अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करते हैं इसे वह अपने टेरिटरी में अपनी मेंटेन करके रखते हैं और इस एलगम में हम मेंटेन करेंगे डायवर्सिटी इन सर्च स्पेस क्यों टू प्रिवेंट प्री मैचोर कन्वर्जेंस एंड ऑल्सो एनश्योर्ड रिजल्ट डन अब हम स्टेप बाय स्टेप इस एलगोदम को समझेंगे यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स स्टेप वन इनिशलाइज ग्रे वर्ल्ड पॉपुलेशन सो पहले आपको डिसाइड करना है पॉपुलेशन साइज की आपको कितने सर्च एजेंट्स चाहिए सर्च एजेंट्स मीन्स वोल्फ हम चूज करेंगे फॉर एन सो कोई भी मेटाहोरिस्टिक एल्गोरिदम हो पॉपुलेशन साइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि पॉपुलेशन साइज डायरेक्टली अफेक्ट करता है एल्गोरिदम परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लाइटेशन कैपेबिलिटीज अगर आप लार्ज पॉपुलेशन यूज करेंगे इससे डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव ग्लोबल सर्च पर इसका एक है इट इज कॉम्पिटिशन एक्सपेंसिव जितना ज्यादा पॉपुलेशन साइज होगा उतना ज्यादा टाइम मेमरी और प्रोसेसिंग पावर लगेगा क्योंकि इन ईच चिट्रेशन हमें बहुत सारे सोल्यूशंस को इवेल्युएट करना पड़ता है स्पेशली जब आप कोई लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड केस अगर आप पॉपुलेशन साइज को स्मॉल सेट करते हैं तो so इसका एडवांटेज है आपका कन्वर्जेंस फास्टर होगा वट देयर इज रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर कन्वर्जेंस सो चूज बाइसलिंग सो so, इसका सॉल्यूशन क्या है हम पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू इम्पेरिकल टेस्टिंग सेकेंड ट्रेड ऑफ हम एडजस्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन साइज अकॉर्डिंग टू अवेल रिसोर्स एंड प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेट कर दो वैल्यू फॉर एन सपोज हमने सेट किया वैल्यू फॉर एन टेन मीन्स हमारे पास है टेन वोल्फ वोल्फ मीन्स सर्च एजेंट एंड इट सर्च एजेंट इज अवर कैंडिडेट सॉल्यूशन अब हम इन टेन वोल्फ को सर्च स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन यह लोअर बाउंड अपर बाउंड मीन दिस इज सर्च स्पेस बाउंड्री और यह रैंडम वैल्यू बिटवीन जीरो पैरामीटर्स यूज किए गए हैं टू बैलेंस एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लाइटेशन फेजेस फर्स्ट पैरामीटर है ये कंट्रोल पैरामीटर है इस पैरामीटर का यूज किया गया है टू कंट्रोल मैग्निट्यूड ऑफ फैक्टर ए दैट इंफ्लुएस वेदर वो फोकस ऑन एक्सप्लोरेशन और वैल्यू होगी from two to zero. यहां पर आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यूनियरली डिक्रीज हो रही है ओवर टाइम टू टू के क्लोज होगी इट means सर्च एजेंट्स ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी टू आर्ट जीरो मीन्स अब सर्च एजेंट्स एक्सप्लॉर्टेशन परफॉर्म कर रहे हैं और सभी बोल्ब अल्फा बीटा और डेल्टा वोल्फ की पोजीशन के अराउंड अपनी पोजीशन अपडेट करेंगे डन फिर एंसर्कलिंग पैरा मीटर इस पैरामीटर का यूज किया गया है की पोजीशन चेक करने के लिए क्योंकि तो सभी एक पॉइंट पे होंगे दैट इज ऑप्टिमल पॉइंट तो यहाँ पर हम एनसर्कलिंग पैरामीटर यूज करेंगे टू चेक वेदर सर्च एजेंट आर मूविंग क्लोजर और अवे फ्रॉम द लीडर रीडर्स हमारे पास अल्फा बीटा डेल्टा सो इसे हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन जैसे कि हमारे पास वर्चुअल एनवाइ है तो इस पैरामीटर का यूज किया गया है मूवमेंट में रेंडमनेस लाने के लिए उन्हें रेंडमली सर स्पेस में मूव करने के लिए जिससे कि वह रेंडमली सर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें और लोकल ऑप्टिमा को अवॉइड कर सकें ठीक है इज अ रैंडम वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन स्टेप थ्री कैलकुलेट फिटनेस ऑफ ईच सर्च एज एंड अब हम सभी बोल्फ की फिटनेस स्कोर कैलकुलेट करेंगे अप्लाई कर दो फिटनेस फंक्शन सभी बोल्फ की करंट पोजीशन पर इसे हम पता कर सकते हैं अबाउट बोल्फ पोजीशन लाइक हाउ गुड बोल्फ पोजीशन इज सो अकॉर्डिंग टू द फिटनेस स्कोर हम सभी बोल्फ की पोजीशन को चेक कर सकते हैं नो स्टेप फोर आइडेंटिफाई टॉप थ्री बोल्फ अल्फा बीटा डेल्टा सो जैसे कि हमने सभी बोल्फ का फिटनेस स्कोर कैलकुलेट किया अब हम वोल्फ के फिटनेस स्कोर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे टॉप थ्री बोल्फ अल्फा बीटा डेल्टा अगर आप मिनिमाइजेशन कर रहे हैं तो कंसीडर कर दो टॉप थ्री फिटनेस स्कोर एज द अल्फा बीटा डेल्टा अगर आप मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं तो कंसीडर कर दो टॉप थ्री मैक्सिमम वैल्यू एज अल्फा बीटा एंड डेल्टा अल्फा मीन्स बेस्ट सॉल्यूशन बीटा मीन्स सेकंड बेस्ट डेल्टा मीन्स थर्ड बेस्ट स्टेप फाइव नाउ एलगो मेन लूप स्टार्टेड हेयर इस लूप को हम रिपीट करेंगे अंटिल मैक्सिमम नंबर और फिर हम डिस्प्ले करेंगे अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्टेप सिक्स फॉर ईच सर्च एजेंट अपडेट पोजिशन बेस्ड ऑन अल्फा बेटा एंड डेल्टा बोल्फ अब हम सभी बोल्फ की पोजिशन अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन अल्फा बेटा एंड डेल्टा पोजिशन इसके लिए हम यूज करेंगे डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स तो पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बिटवीन बोल्स एंड द लीडर्स यूजिंग दीज इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम फोकस कर रहे हैं अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर और इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन की पोजीशन अननोन है तो इस एल्गोरिथम में हमने शिकार मीन प्रे को कंसीडर किया है अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन और अल्फा बीटा डेल्टा को कंसिडर किया है टॉप थ्री वेस्ट सॉल्यूशन और ये तीन लीडर्स गाइड करेंगे सभी बोल्स के मूवमेंट को

आफ्टर पैरामीटर अपडेट इन नेक्स्ट स्टेप हम रिकल्कुलेट करेंगे fitness value for all search agents. So, जैसे कि हमने सभी की की को update किया, अब हम उन फिर से fitness values calculate करेंगे और फिर न्यू फिटनेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इन नेक्स्ट स्टेप वी विल अपडेट पोजिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड डेल्टा डन एंड वेन द पोजिशन अपडेटेड इन नेक्स्ट स्टेप हम इनक्रीमेंड करेंगे काउंटर को

And many applications we have. Next, we have algorithm advantages simplicity, few parameters, and flexible for complex problems, global searchability, and there is proper balance between exploration and exploitation phases. Algorithm disadvantages sometimes we have slow convergence and dependence on parameters. So, this algorithm is widely used because this is simple and effective for diverse optimization tasks. But its performance may require careful tuning for specific challenges. So, that's all about this video. If you have any questions, you can comment below. And thanks for watching this video.